प्रेज लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना की, अपना प्रार्थना निवेदन प्रेयर सेंटर में भेजा और हमारी टीम ने उनके लिए प्रार्थना की और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों यदि आपके पास समय नहीं है बाइबल अध्ययन करने का और आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं या फिर आप बाइबल पढ़ते हैं परंतु आपको समझ नहीं आता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम प्रेयर फॉर ऑल है। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पर हम रोज सुबह बाइबल अध्ययन करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर बाइबल अध्ययन कर सकते हैं और बाइबल के मीनिंग्स को समझ सकते हैं ताकि परमेश्वर आपकी और अधिकाई से आत्मिक उन्नति करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 23 और उसके 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि निश्चय परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। दाऊद अपने अंदर एक विश्वास को रखता है कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों हम जानते हैं कि भजनकार दाऊद के जीवन में बहुत सी विपत्तियां आई, वो बहुत बार बहुत से संकटों से घिरे, परंतु उनके अंदर ये विश्वास था हर एक परिस्थिति से परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा को देखूंगा। भजन संहिता 27:13 में भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं निश्चय मूर्छित हो जाता। भजनकार कहते हैं कि यदि मुझे इस बात का विश्वास न होता, यदि मुझे इस बात का भरोसा न होता कि मैं जीवितों की इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मर जाता, मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि उन दुखों में, उन विपत्तियों में, उन संकटों में वो अपने अंदर इस विश्वास को रखते हैं कि मैं परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के बचाव को, परमेश्वर के उपाय को अपने जीवन में देखूंगा। और जब उनका यह विश्वास था तो हम जानते हैं कि भजनकार दाऊद को परमेश्वर ने हर एक लड़ाई में विजयी दिया और हर एक संकट से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, हर एक दुश्मन पर परमेश्वर ने उन्हें विजयी किया। और परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है। हाँ मेरे प्रिय, और हम लोग देखते हैं जब भजनकार दाऊद जब छोटे थे, जब वो गोलियत का सामना करने के लिए गए तो सारे इजरायली तो भाग गए थे, परंतु एक छोटा बच्चा दाऊद गोलियत का, जो बहुत बड़ा जायंट था, उसका सामना करने के लिए गया और उसने कहा, तो उसने कहा कि तू खतना रहित फिलिस्ती कौन होता है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे, परमेश्वर के संतान को ललकारे, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, तू तो भाले और तलवार लेकर मेरे पास आता है परंतु मैं तेरे पास यहोवा के नाम से आता हूं, मैं तेरा सर काट के तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा और परमेश्वर मुझे तुझ पर विजयी करेगा, जिससे सब लोग जान लेंगे कि विजयी भाले और तलवारों से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलती है। हाँ मेरे भजनकार दाऊद के अंदर यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं उसे मार डालूंगा, परमेश्वर की भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को मैं अपने जीवन में देखूंगा, परमेश्वर के उस सामर्थ को मैं अपने जीवन में देखूंगा और इस गोलियत को मार गिराऊंगा। और ऐसा ही उनके लिए हो गया। एक छोटे से बच्चे ने उस बड़े दानव को मार गिरा। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास था। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। मेरे प्रियो, तो आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे कैसे भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, कितने भी दुखों से, संकटों से, विपत्तियों से, बीमारियों से क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु अपने मन में ये विश्वास को पैदा करें कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने
जीवन में देखूंगा। मैं इस जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के करुणा को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखूंगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, और आपके लिए ठीक वैसे ही हो जाएगा जिस प्रकार भजनकार दाऊद के लिए हुआ। भजनकार दाऊद ने परमेश्वर की अपरंपार भलाइयों को, अपरंपार करुणा को अपने जीवन में देखा, आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत उपायों को अपने जीवन में देखा। उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में देखोगे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत उपायों को, परमेश्वर की करुणा को, उसकी दया को, उसकी भलाई को अपने जीवन में देखोगे जब आप इस प्रकार का विश्वास रखोगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सचमुच हमारा परमेश्वर भला है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उस भले और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के सम्मुख हम आकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ परम प्रधान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्ग के स्वामी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब वस्तु पर अधिकार रखने वाले राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि तू याजक है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारी मजबूत ढाल है, तू हमारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। लॉर्ड तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा आज की सुबह में हम सबके जीवनों से हो पिता। लॉर्ड हम आते हैं आपके सम्मुख, हम आते हैं आपके सम्मुख आपकी तारीफ करते हुए, आपकी स्तुति के भजन गाते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए। लॉर्ड फादर इस समय प्रभु आज की सुबह में हाँ मेरे यीशु मसीह जितने भी भाई बहन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं, यदि प्रभु हमारे सोचने विचार करने से प्रभु यदि कोई भी गलती हम करते हैं तो हमें माफ करें पिता। हम एक धन्यवादित जीवन लेकर आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद करते हैं उस अगापे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारे किए हुए उद्धार के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब को बुलाने के लिए, हम सब पर अपनी करुणा दिखाने के लिए और हम सबको आज का ये भोर का प्रकाश दिखाने के लिए, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अब्बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, यू आर किंग ऑफ पीस लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर अ ग्रेट जेंटल एंड होली लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की शाम में हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे सम्मुख आकर तुझसे विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वचन आज हमने सुना है, जिस वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया है हमारी आत्मा का भोजन आज की सुबह में प्रभु, जो आपने हमें आत्मिक भोजन दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें मजबूत किया। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि तेरी भलाई और करुणा निश्चय मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और यहोवा के धाम में मैं वास करूंगा, उसी प्रकार यीशु मसीह इस वचन को हम अपने ऊपर लेते हैं प्रभु। ये वचन, ये भाई बहन अपने ऊपर लेते हैं कि तेरी भलाई, तेरी करुणा हम सब अपने जीवन में जिंदगी भर देखेंगे प्रभु। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आज प्रभु इस विश्वास को आप इनके जीवनों में उत्पन्न करें प्रभु, कि ये अपने जीवन में तेरी भलाई को देखेंगे प्रभु। हालेलुया, आप अपने भलाइयों को, अपने करुणा को इन पर दिखाएं, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर आप दिखाएं प्रभु। आज के दिन में प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें भरें, अपनी भलाइयों को आप इनके जीवन में दिखाएं, इनके संग संग आप होइए प्रभु जी, और खुदावन इनके हर एक काम में आप इनके साथ में होइए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस विश्वास को कर रहे हैं पिता, उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी ये विश्वास करते हैं पिता कि तू इनका प्रभु महान परमेश्वर है, तू ही इन पर करुणा करने वाला, दया करने वाला और भलाई दिखाने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और इस आशा और इस विश्वास से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन के हर एक क्षेत्र में भलाई को रखा है। क्योंकि जो योजनाएं आप हमारे लिए बनाते हैं हानि की नहीं परंतु लाभ की है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु पिता जो बीमार है पिता, वो इस बात पर विश्वास करे कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा। हालेलुया मेरे प्रभु, इस समय प्रभु जो बीमार
हैं पिता, नाना प्रकार की बीमारियों में यीशु के नाम से हम इस विश्वास को करते खुदावन कि आपके कोड़े खाने के द्वारा ये चंगे हो गए हैं पिता। इस भलाई को आपने इनके जीवन में दिखा दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने छोटे बच्चों को, नौजवान, बुजुर्ग जो बीमार है उन्हें स्वस्थ कर दिया है प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे दिया है प्रभु, उन्हें प्रभु उनके बिस्तरों से उठाकर खड़ा कर दिया है प्रभु, जो हॉस्पिटल्स में है उन्हें चंगा कर दिया है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन में इनके सारे कामों को आप सफल करें, इनके संग में आप होइए प्रभु, और तुझे ये अपना धाम माने प्रभु, तू इनमें होकर वास करे प्रभु, ताकि ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में हारे नहीं। जिस प्रकार दाऊद गोलियत पर विजयी हुआ, उसी प्रकार ये अपने जीवन के हर एक मुश्किल समय में विजयी होने पाए पिता। धन्यवाद। यदि संकट, मुसीबत, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से होकर गुजर रहे प्रभु, ऐसे समय में आप इनके विश्वास को बढ़ाएं भजनकार दाऊद की तरह प्रभु, ताकि परमेश्वर ये भलाई को अपने जीवन में इस संकट, मुसीबत और विपत्तियों में देख सके पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं। जब तेरे बेटे बेटियां घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, जो बच्चे घरों से स्कूल्स के लिए जाते हैं, कॉलेजेस के लिए जाते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। हर एक जन पर तेरे पवित्र लहू को लगाते खुदा, और कहते हैं सुरक्षित आप इन्हें ले जाएं, और सुरक्षित आप इन्हें घर लौटा कर लेकर आए प्रभु। जो घर में है प्रभु, आप उनकी घर पर रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। और खुदावन आज जो भी योजना इन्होंने बनाई है पिता, आज के दिन के लिए जो भी इनके प्लान्स है प्रभु, ने आप सक्सेसफुल करें प्रभु। और पिता इन्हें हर एक फील्ड में प्रभु इनकी सहायता करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बातों में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।